भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपना पंजा खोला। जी हाँ दोस्तों, शमी ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 51 रन देकर एक मेडन ओवर के साथ 5 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही उन्होंने यह साबित किया कि वह भी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का योग्य रखता है। मोहम्मद शमी को आप भी अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में मोहम्मद सिराज की जगह मौका मिला है। बता दें कि मोहम्मद सिराज ने हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप में दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। वही सिराज विश्व कप टीम के भी प्रमुख सदस्य है। ऐसे में उनकी फिटनेस और उन्हें तारोताजा रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया गया है। हालांकि मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में दमदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद विश्व कप में भी वह टीम इंडिया के प्लेइंग 11 से बाहर रह सकते हैं। एशिया कप में भी शमी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। शमी को कुछ ही मैचों में खेलने का मौका मिला था। विश्व कप के लिए प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पहली पसंद साबित हो सकते हैं। बुमराह और सिराज अपने दमदार फॉर्म में हैं। वही तीसरे पेसर की भूमिका में शार्दुल ठाकुर को देखा जा रहा है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या का रोल चौथे गेंदबाज के रूप में है। हार्दिक बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया के लिए अपना दम दिखाते हैं, लेकिन शमी को बैठा के शार्दुल ठाकुर को खिलाना कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में शार्दुल ठाकुर की जगह शमी को तीसरा गेंदबाज के रूप में खिलाना चाहिए। ऐसे में रोहित शर्मा के लिए यह फैसला करना मुश्किल होगा कि वह किन 3 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरे। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में तीसरे गेंदबाज के रूप में शमी या शार्दुल किसको खिलाना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। इसके साथ आपको बता दें कि मोहाली में खेले गए वनडे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर 276 रन बनाए। डेविड वार्नर, बवन जॉस इंग्लिश ने 45 और स्टीव स्मिथ ने 41 रन की पारी खेली। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 142 रन जोड़े। ऋतुराज गायकवाड़ ने 71 रन और सुमन गिल ने 74 रन की पारी खेली। वही सूर्य कुमार यादव 50 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केएल राहुल ने 58 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 49वें ओवर में स्वर्ण अवार्ड की गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। वही पहले वनडे मैच में जीत के बाद भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। भारतीय टीम टेस्ट और T20 फॉर्मेट में पहले से ही टॉप पर काबिज थी। इस तरह टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम के 115 रेटिंग पॉइंट है। भारत के अलावा टॉप 5 टीमों में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम काबिज है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।